J&K टूरिज्म डिपार्टमेंट यहाँ OTM मुंबई में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन OTM जो है ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ के हम सभी अपने जो ट्रैवल ट्रेड के लोग हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबको यहाँ बुलाते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में दिस ईयर वी हैड ए ग्रेट ईयर, द नंबर ऑफ़ टूरिस्ट फुटफॉल विच वी हैव सीन दिस ईयर इतना पहले कभी भी नहीं था। हाईएस्ट नंबर ऑफ टूरिस्ट दे हैव विजिटेड जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग द ईयर। तो हमारे क्या क्या टूरिज्म प्रोडक्ट्स हैं, हमारे निश प्रोडक्ट्स कौन से हैं, हम किस तरह से टूरिज्म को फर्दर वहाँ प्रमोट करना चाह रहे हैं, सस्टेनेबल टूरिज्म को किस तरह से प्रमोट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें बताने के लिए हमारा जो पूरी जो ट्रैवल फ्रेटर्निटी है ये एक प्लेटफॉर्म स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट UT गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, टूरिज्म डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है हमारे अपने स्टेक होल्डर्स को। क्योंकि यहाँ पर वो दूसरे जो स्टेट्स हैं, हर एक स्टेट और UT के लोग यहाँ पर आए हैं, उनके अपने अपने पवेलियन हैं, तो यहाँ उनको एक मौका मिलता है कि बाकी स्टेट्स और UT के जो लोग हैं उनसे भी वो एक्सचेंज करते हैं अपने। और ये एक B2B सेशन इसमें रहता है जिसमें हमारे ट्रैवल ऑपरेटर्स दूसरे ट्रैवल ऑपरेटर्स के साथ मिलते हैं और अपना बिज़नेस जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको शेयर करते हैं बिज़नेस को बढ़ाने के लिए। इसके साथ साथ जो आम लोग, जो कंज्यूमर्स हैं या जो ट्रैवल ट्रेड के साथ जुड़े हुए और जो मीडिया के लोग हैं, जो ट्रैवल मैगजीन्स रन करते हैं, वो सब भी ये इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हैं और यहाँ आते हैं। सो इट्स अ बिग प्लेटफॉर्म विच वी आर प्रोवाइडिंग टू आवर ट्रैवल ट्रेड्स फॉर द ओवरऑल बूस्टिंग टूरिज्म इन द UT ऑफ J&K। हाँ जी, जो हमारा ये J&K UT का OTM में पार्टिसिपेशन है, इट्स ओनली टू गिव द फिलिप टू द टूरिज्म ट्रेड जो हमारा चल रहा है यहाँ पे J&K में, कश्मीर में, जम्मू में और जो भी बाकी हमारे एरियाज़ हैं यहाँ पे, उनको फ्लिप देने के लिए, उसके लिए हम काफ़ी काम कर रहे हैं। तो उसका उसकी एक कड़ी ये भी है। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि यहाँ कुछ बिज़नेस टू बिज़नेस मीटिंग्स होती है, यहाँ पे प्रेस के साथ हमारा इंटरेक्शन होता है, जो ट्रैवलर्स के काफ़ी सारे कियोस्क्स है यहाँ पे, उनके साथ हम इंटरेक्ट करते हैं। और यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट 150 अपने टूरिज़्म रिलेटेड जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको स्टॉल्स दिए हुए हैं, जो कि इंडिविजुअली भी अपना अपना ट्रेड पोर्ट्रे कर रहे हैं, अपना बिज़नेस पोर्ट्रे कर रहे हैं, और उससे एक फ्लिप मिल जाएगा टूरिज़्म इंडस्ट्री को। एक पार्ट उसका, एक कड़ी उसकी ये है। दूसरा, हमारा एक प्रेजेंटेशंस भी यहाँ पे हमारी होती है जहाँ पे हम लोगों को बता देते हैं कि क्या क्या होता है, कैसे हम करते हैं टूरिज़्म को प्रमोट, कैसे करते हैं और हमारी टूरिज़्म इंडस्ट्री कितनी वाइब्रेंट है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो हम इस OTM में दे रहे हैं, टूरिज़्म डिपार्टमेंट दे रहा है। तो बेसिकली हमारा मकसद यही है कि जो टूरिज़्म J&K में, तो एक टूरिज़्म इंडस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, और इस इंडस्ट्री को कितना ज़्यादा बढ़ावा मिले और कितना ज़्यादा सपोर्ट पूरे नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में मिल जाए, इसलिए हमने यहाँ पे मुंबई आके OTM में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और हमारे साथ काफ़ी सारे ट्रेडर्स भी हैं, टूरिज़्म इंडस्ट्री को रिलेटेड जितने भी होटलियर्स हैं, ट्रेडर्स हैं। जैसे मैंने अभी कहा आपको कि 150 स्टॉल्स हमने यहाँ पे लगाए हैं जो कि बिज़नेस अपना प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ OTM मुंबई में जम्मू कश्मीर UT ने पार्टिसिपेट किया है, और हमारे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स जो है उन्होंने बढ़ चढ़ कर इस OTM में हिस्सा लिया है, और सभी आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। और जम्मू कश्मीर एक बहुत ही ब्यूटीफुल ऑल सीज़न डेस्टिनेशन है और एक प्रीमियर डेस्टिनेशन भी है। सब लोग यहाँ पर आना चाहते हैं, चाहे आप पिलग्रिमेज के हिसाब से बात करें, एडवेंचर के बारे में बात करें, या बॉर्डर टूरिज्म के बारे में बात करें, तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी वेरी हैपनिंग प्लेस। रिक्रिएशनल भी है और हमारी बहुत सारी ब्यूटीफुल लोकेशंस हैं। तो इन्हीं सब के बारे में जानकारी देने के लिए और अपने आइडियाज़ एक्सचेंज करने के लिए आज टूरिज़्म डिपार्टमेंट यहाँ पर है, और सभी स्टेट्स के साथ और बहुत से लोग जो बाहर से भी आए हैं उनके साथ हमारी इंटरेक्शन चल रही है। और ये हमारे स्टेक होल्डर्स जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, हम इनसे भी पूछेंगे कि इन लोगों को कैसा लग रहा है जम्मू कश्मीर को प्रोजेक्ट करते हुए। यस प्लीज़, हाउ आर यू फीलिंग हियर इन द OTM मुंबई? हाय, इट वॉज गुड, इट वॉज ऑसम। हम अभी यहाँ पे काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, JK को प्रमोट कर रहे हैं, और लोग भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स दे रहे हैं अभी यहाँ पे, तो अच्छा है।
हमारे यहाँ के स्टेक होल्डर्स जो हैं जिन्होंने बहुत सुंदर सुंदर पैकेजेस बनाए हैं ऑल ओवर इंडिया से लोग जो ट्रैवलर्स आते हैं उनके लिए। उसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगी आप सबको कि हर एक डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट हो रहा है जम्मू डिवीज़न का और कश्मीर डिवीज़न का, और एक बहुत ही उत्साह है इन सब में। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कैसा लग रहा है आपको ओटीएम मुंबई में? थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा, एक अच्छा फील्ड मिला यहाँ पे अपने आप को और ख़ासकर अपने जम्मू कश्मीर को एक्सप्लोर करने के लिए। ये तो जेके टूरिज्म की बहुत मेहरबानी है कि इतना सा स्पेस लेके भी हमें जगह मिल गई, बहुत रश था यहाँ पे, और इससे क्या होगा कि हम अपना सब कुछ वहाँ पे सेल कर सकते हैं, चाहे फूड हो, चाहे डोमेस्टिक टूरिज़म हो, एडवेंचर हो, जो कुछ भी हो। तो यहाँ पर हमें एक अच्छा सा एक विजन सा खुलता है और सब कुछ देखने को मिलता है कि कैसे टूरिज़म चलता है। ये बहुत बड़ी मेहरबानी हमारे लिए है जेके टूरिज्म की, थैंक यू सर वेरी मच। अभी हम मुंबई एग्जीबिशन सेंटर में हैं जो कि हमें जेएनके टूरिज्म ने प्रोवाइड करा है। करीब 100 से 150 लोग यहाँ पे अकोमोडेट किए हैं और बहुत ही वार्म वेलकम किया है और हमारे लिए फैसिलिटेट किया है यहाँ पे पूरा प्रिविलेज में। वी आर वेरी थैंकफुल टू जेएनके टूरिज्म डिपार्टमेंट, एंड अगर ऐसा ही चलता रहा इंशाल्लाह इस बार भी कश्मीर पूरा झूम उठेगा। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू। हम यहाँ मुंबई में ओटीएम में हैं जेएनके टूरिज्म में, जो कि हम अपने डिपार्टमेंट के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमको पार्टिसिपेट करने का मौका दिया और यहाँ पे इतना ब्यूटीफुल, मुझे लगता है कि इस बार हमारा स्टॉल सबसे ब्यूटीफुल है और मैं चाहता हूँ कि हमको अवार्ड मिले। हम बहुत खुश हैं, हम कश्मीर को प्रमोट कर रहे हैं और हमारी कुछ नई डेस्टिनेशन भी आई हैं। जम्मू कश्मीर वाले हम सब इकट्ठे बैठे हुए हैं, हम इन्जॉय भी कर रहे हैं और प्रमोट भी कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, मेरा नाम नज़ीर अहमद है। As the ex-chairman of Association of Kashmir Tour Operator, मेरे colleagues ने अभी कहा कि इस बार इन्होंने J&K Tourism ने बहुत स्पेस ली है। This is the 200 square meter the spaces जो J&K Tourism ने लिया हुआ है श्रीनगर और जम्मू के लिए, कंपेयर अगर किया जाए the previous venue जो होता था इससे डबल होता था, यह आज श्रिंक हुआ है। 200 स्क्वायर मीटर कुछ भी नहीं है। अगर देखा जाएंगे जो रजिस्ट्रेशन हमारे पास है एज अ ट्रैवल एजेंट्स और एज अ होटल्स फ्रॉम जम्मू और फ्रॉम श्रीनगर, दिस स्पेस इज टू लेस फॉर देम। वेल, वी आर थैंकफुल टू विद द डायरेक्टर टूरिज्म ऑफ कश्मीर एंड डायरेक्टर टूरिज्म ऑफ जम्मू, दे आर पार्टिसिपेटिंग ओवर हियर। बट द क्वेश्चन इज ओनली ऑलवेज इट इज as a director of Jammu and director of Srinagar is deciding for the venue and the space, it's always a late and people are not prepared from the beginning to participate this place. agar wo cheez hota tha jitna aaj aap crowd dekh rahe hain ise double crowd hota tha. aur sabse badi cheez hai ki Srinagar mein ho ya Jammu mein ho, jitne bhi hamare ट्रैवल पार्टनर्स हैं या उसके अंदर एसोसिएशंस आते हैं, वो फैसिलिटी इस बार नहीं मिल रही है हमारे मेंबर्स को, चाहे वो एसोसिएशन के अंदर हो चाहे वो एसोसिएशन से बाहर हो, वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है जो मिलना चाहिए थे उनको, वो चीज़ नहीं है। और दूसरी एक और बात है कि स्पेस खाली लेना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इट शुड बी अ प्रॉपर ब्रांडिंग। आज दावे के साथ हम कह सकते हैं लद्दाख भी एक यूनिटी है, वो भी एक यूटी बन गई है, लेकिन आज उनका आप स्टाल अगर हम देखेंगे वी आर प्राउड फॉर दिस, वाओ, हाँ कुछ है। और कंपेयर उससे हमें हमारा जो वेन्यू है इट्स लाइक अ नथिंग। थैंक यू वेरी मच। Raqib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers 3-year integrated classroom program for IAS, KAS specialized for college going students of any stream. Dream big and prepare early. For counseling visit Raqib Sir's Excellence Parepura Srinagar. For more info call on 9469 888 333.